नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। धनबाद झरिया में एक नाबालिग छात्रा के साथ डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण कर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला और वही पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धनबाद झरिया तीसरा थाना क्षेत्र के बामधौड़ा गोलकधी के रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण कर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। भुक्तभोगी परिजन के साथ देर रात थाना पहुंचे, रात्रि में थाना प्रभारी ने मामला दर्ज किया। पॉक्सो एक्ट, नाबालिग के साथ यौन शोषण, हरिजन के साथ उत्पीड़न आदि का मामला दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र के रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग के परिजन ने बताया कि उनकी इकलौती पुत्री 14 मार्च 2020 से MOCP स्थित सुर संगीत विद्यालय में डांस सीखने जाती थी। डांस का टीचर चांद कुइया बिलासपुरी धोरा निवासी BCCL कर्मी विक्रम रवानी का पुत्र राहुल रवानी डांस सीखने के लिए अकेला बुलाता था। अकेले का फायदा उठाकर कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर हमारी पुत्री को बेहोश कर देता था और इसके साथ जबरदस्ती यौन शोषण करता था। वीडियो भी बना लिया है। 3 दिन पहले हमारी पुत्री ने जब नहीं गई तो मेरे घर पर आकर धमकी दिया और कहा कि किसी को बताया तो इंटरनेट पर तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, और इसी के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। वर्तमान में डर के मारे हम गोल्डन पहाड़ी नया क्वार्टर परिवार के साथ चले गए, वहां भी आकर धमकी देने लगा। पुत्री ने सब कुछ बताया तो थाना में आकर लिखित शिकायत किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हम गरीब हरिजन डरे हैं। जीतपुर सेल में असंगठित मजदूर के पद पर काम करते हैं। एक ही पुत्री है और ये पुलिस अधिकारी हमारे साथ न्याय करे। वही तीसरा थाना प्रभारी CP सिंह ने कहा है कि आवेदन दिया गया है, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है। वीडियो रिपोर्ट HBN न्यूज। ये बच्ची को डांस क्लास में ले जाकर, डांस क्लास जाती थी उसी में जाकर वो यौन शोषण करता था। कौन? वो राहुल रवानी। कहाँ कराने वाला है? ये चांद कुइया। कितने दिनों से कर रहा था ये? ये मार्च से कर रहा था। मार्च से लगातार? हाँ, इसमें फिर लॉकडाउन में। तो बच्ची कब बोली आपको? यही 2-3 दिन हो रहा है। उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था कि बोल देगी तो इसे कर देंगे, इसे कर देंगे। पर ये घटना कहाँ पे किया है? वो अपने क्लास में, स्कूल थी जहाँ डांस के सिखाते थे। उसको अकेले बुलाता था? हाँ, बैक थी, बैक टाइम में बुलाता था अकेले। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।